तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका साथ है कौन न्यू वीडियो में। अभी से वाले मैच के मिड में क्या होता ना कि सब कुछ बने चल रहा था, किल्स अच्छे खासे निकल गए थे, लास्ट के चार बंदे बचे हुए थे मेरे अलावा, तो इजीली मैं उनको मारता तो भाई अच्छा खासा अच्छे किल्स के साथ मैच निकल जाता। लेकिन लास्ट में जो हुआ ना मेरे साथ, मतलब देख, अब यहाँ पर क्या सीन था कि भाई एक पूरी की पूरी स्क्वाड आ चुकी थी और मैं बैठ के सोच ही रहा था कि भाई फटाफट से गन लूट लेते हैं और उन बंदों के लूटने से पहले ही उनको निपटा देंगे। लेकिन भाई तब तक यही बंदे मेरे ऊपर घुस जाते हैं गनवन सब कुछ लेके। अब दो बंदे और बचे हुए थे और मेरे पास हीलिंग्स का सामान देख ही सकते हो, एक बूस्टर था और वो मैंने लगा लिया था। और डर बस इसी चीज़ का था कि भाई जो स्टॉल वाला बंदा ना एक्सप्लोज पहुंच के एक शॉट ना चिपका दे गलती से भी। अब चलो इसको भी निपटा देते कैसे भी, और बचा लास्ट बंदा। अब इसको भी कैसे भी निपटाना था, खैर बंदा लो था काफी ज्यादा तो भागने लगता वो, और मैं भी कम नहीं था भाई, मैं भी पीछे पड़ जाता इस बंदे के। तो दोस्तों अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम्स खेलने के लिए आप स्वैप थोड़ी डाउनलोड करोगे, बस एक विंजो काफ़ी है। क्योंकि यहाँ है नाइफ ऑफ शिप बैटल क्रिकेट जैसे 100 प्लस गेम, जैसे स्किल्स वैसे गेम्स। विंजो पर गेम्स खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम UPI या फिर बैंक में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों से कम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को। यहाँ हारने का भी कोई गम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप हारने पे भी जीतते हो कैश रिवॉर्ड। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं स्पाइल्टम माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और अमेजोन प्राइम डोमिनोज हॉटस्टार जैसे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट्स कूपन्स भी। तो जल्दी से जाके डाउनलोड करो विंजो ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और पाओ 50 रुपए का बोनस कैश एकदम फ्री। अब चलो ये स्कोर तो गई, लेकिन यहाँ पर अलाइव बन से डालो। पहली स्कोर यही थी जो कि भाई निपटी अभी, और 55 बंदे अलाइव है। लेकिन जब तक मैं ऐसे लूट वगैरह करके सारी चीजें करने के बाद बंदों तक पहुंचूंगा ना भाई, बंदे सीधा आधे हो जाते यार। देख सकते हो 29 बचे अभी, तो बस यही एक माइनस पॉइंट है इसका कि भाई ये दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करना पड़ता है। लेकिन बंदे भी भर भर के आते तो सारी कसर पूरी हो जाती वहीं पर। खैर बंदा मिल चुका था मुझे थोड़ी देर बाद ही। और इस बंदे को भाई नॉक हो जाना चाहिए यार, लिटरली 1 HP का होगा। खैर ये गाड़ी मेरे पीछे पड़ चुकी थी, तो इसको निपटाने के लिए यहाँ पर मैं साइड में गाड़ी रोक लेता हूँ कि भाई आ जा, मतलब हो ही जाए दो दो हाथ। लेकिन भाई ये भाई साहब भी तेज से निकल लेते यार, लेकिन वापस मुड़ के आता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा मुझे सब फाइट लेना चाहता है या फिर नहीं, लेकिन एट द एंड भाई निकल लेता थोड़ा बहुत टाइम लेके। अपना किल सिक्योर करता हूँ मैं, और उसके बाद टावर वावर पर चढ़ के थोड़ा सा हाइट एडवांटेज लेके ट्राई करता हूँ बंदों को स्पॉट करने का। बंदा दिखता है मेरे को येलो वाले हाउस में था। और उस गाड़ी वाले की वजह से भाई मुझे ये बेचारा बंदा स्पॉट हो जाता जो कि ओपन में था। अब वो गाड़ी वाला भी उसे मारता है, मतलब नॉक वही करता है, लेकिन मैं इधर से किल उठा लेता हूँ उसका। और अब मैं गाड़ी वाले पे फोकस करी तो थोड़ा बहुत, लेकिन उसी बीच में को ये भेजे दिख जाते हैं। अब जो गाड़ी वाला बंदा था भाई कहीं से पीक वीक लेके बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा था, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि भाई कहीं ये निपटा उपटा ना दे मेरे को। लेकिन इसी बीच में को मेरा किल भी मिल जाता है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत शांत, मतलब शांति से बैठ सकता था। अब देखो टावर पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि मुझे काफ़ी बंदों ने स्पॉट कर लिया था और चारों तरफ से मुझे पड़ रही थी जैसे कि देख ही सकते हो। तो भाई मैं फटाफट से टावर पर उतर के इधर इस वाले पहाड़ पे आया था और पुश गया था इन बंदों के ऊपर, और इधर पूरी पूरी स्क्वाड बैठ गई है। अब चलो दो बंदे ना आके तो यही सही टाइम था पुश करने का। अब मैं क्लोजिंग तो कर जाता हूँ, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं था कि भाई इन दोनों हाउसेज में मिला के टोटल कितने बंदे हैं। तो इस वाले मतलब इस घर में जो होता है जिसको मैंने नॉक दिया था उसको तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन सामने वेजिटेबल शॉप में जो बंदे थे ना, मतलब एक नहीं था यार, वो केवल दो दो बंदे थे। तो जिसको मैंने नॉक डाला था वो
रिवाइव हो चुका था, लेकिन क्लोजर का क्या मेरे पास नेड था तो भाई मैं नेड से ही मतलब निपटा देता दोनों को, और इसी के साथ ही वाली स्क्वाड भी निपट जाती है। अब देखो यहाँ पर सीन का था ना कि बचे कुछ बंदे बचे हुए थे और सारे के सारे रियल थे, तो मैं यहाँ पर देखो अच्छे खासे किल्स निकाल सकता था, लेकिन आप ही देखना सरप्राइज़ मिलने वाला है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लास्ट में, तो देखना यहाँ पर। अब मैं इनको अलग ही लेवल सरप्राइज देता हूँ, भले ही दो बंदे नॉक किए थे मैंने, लेकिन एक बंदे का किल चोर हो जाता है मेरा, क्योंकि वो जो बंदे थे ऐसे बिन मतलब ओपन में नहीं रुके थे, उनको कहीं से पड़ती उनकी गाड़ी डैमेज होती है तो बंदे कवर बनाते हैं, लेकिन उन बंदों को मेरा बिल्कुल भी नहीं पता था। यार मैं पीछे से सरप्राइज देता हूँ बहुत ही तगड़ा वाला और दोनों को नॉक कर देता हूँ, और ये उन्हीं का आखिरी बचा हुआ बंदा था, इसको भी लपेट लेते हैं हम इधर। अब देखो जो सामने बंदे था ना, मुझे दो ही बंदों के गन से उड़ाए थे, तो मुझे लगा कि भाई दो बंदों के इजीली लपेट लेंगे यार, ऊपर से मेरे को AWM अलग मिल गई थी, तो भाई लॉन्ग रेंज में मैं उनकी बत्ती बनाने वाला हूँ। तो भाई अब देखो यहाँ पर, अब जैसे मेरे को दो बंदे स्पॉट होते हैं ना, अचानक से मेरे को क्लोज से कुछ फुटस्टेप आते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फटाफट से सोचता हूँ कि चलो इस क्लोज वाले को लपेट लेते हैं, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब कि वो बंदा भी समझदार निकला, उसने भी नेट की पिन खींच ली थी और मेरा नेट ग्लिच हो जाता है, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है इस बंदे को निपटाने में, क्योंकि ये वाला नेट भी मेरा पूरा वेस्ट जाने वाला है। और इसी बीच सामने से तीन बंदे मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी यार, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या होता है, और इसके बाद तो भाई बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था यार, वहीं पर निपट जाता हूँ मैं, और मरते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता ना यार, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट मैच लगा लेते हम, इस वाले मैच में खेले थे देवांशु के साथ, और देवांशु है तो भाई पता ना भाई तबाही मचने वाली है, क्योंकि ये जब जब होता है भाई तुम्हारा भाई अलग ही लेवल से खेलता है, मतलब बस देखते जाओ, पहला क्लच यहीं पर दिखाता हूँ मैं। अब नेट थे मेरे पास दो दो नेट थे, तो मैं सोचा कि चलो कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, पहले नेट में राइट साइड फेंकता हूँ, मुझे नहीं पता था बंदा है वहाँ पर, मैंने जस्ट ऐसे प्रेडिक्ट किया फुटस्टेप को लेकर, और बंदा नॉक भी जाता है, दूसरे नेट की पिन खींची मैंने, और जस्ट फुटस्टेप सुनना, हम जो बंदा मुझे दिखा वो बंदा नॉक नहीं हुआ था, उसके पीछे एक और बंदा था वो नॉक हो जाता है, और इसको भी लपेट लेते हैं। अब लास्ट बंदा बचा होता और बस देखने पर क्या होने वाला है, और भाई साहब गलत लेवल सरप्राइज देता मुझे ये। अब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बंदा इधर ही खड़ा होगा, टीपी पे ले रहे थे बहुत ही तगड़ा वाला, लेकिन भाई तुम्हारा भाई जो निपटाता है इसको, और इसके लिए तो देखो तुम्हारा भाई सीना चौड़ा करके लाइक मांगे यार, तो मतलब अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने भाई लोग तो लाइक करते हैं हमेशा, मुझे पता है बहुत लोग हैं भाई वीडियो देखते नहीं ऐसे लाइक कर देते हैं, तो उनके लिए तो भाई दिल से प्यार है, लेकिन अगर आपने ये देखा तो भाई कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल पर नए वालों के लिए एक अलग ऑफर है, उनको सब्सक्राइब करना लाइक की बजाय। अब एक बंदा नॉक किया मैंने, अब दूसरा भी वहीं पर था, बंदा भाग नहीं पाता क्योंकि बंदों की भाई बग्गी पलट जाती है गलत टाइमिंग पर पलटी, क्योंकि मैंने उनको उस टाइम पर स्पॉट कर लिया। अब कुछ और बंदे दिखते हैं, अब लेफ्ट में भी दो बंदे नॉक कर देते मैंने, और राइट में तो दो बंदे नॉक थे ही ऑलरेडी, लेकिन बस देखो खेल चोरी का डर था क्योंकि और कुछ बंदे फुदक रहे थे। अब चलो ये तो इन्हीं का टीममेट था जो कि रिवाइव देने के लिए आ रहा था, लेकिन लेफ्ट वालों का कंफर्म नहीं मेरे को, और लेफ्ट साइड मतलब सामने की तरफ ना अभी मेरे को कुछ और बंदे मिलने वाले हैं, सरप्राइज देंगे मुझे वो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अभी एक और स्क्वाड बची हुई है। अब लेफ्ट वालों का किल तो दीवान जो धीरे धीरे करके कन्फर्म कर रहा था, मतलब दो ही बंदे नॉक किए थे और उनको वो धीरे धीरे करके ट्राई करते करते दोनों को ही फिनिश करके मेरा किल सिक्योर कर देता है, मतलब देख रहे हैं। अब ये तो बॉट था शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसको निपटाते हैं, और जैसे मैं इन तीनों की पीटी लूटने जाता हूँ, मतलब जाने वाला था, तभी इन बंदों का फहरा था मेरे ऊपर, तो मैं लूटता उठता नहीं हूँ पेटियाँ, सीधा इनके ऊपर घुसने लगता हूँ,
और इसको नॉक करने के बाद तो भाई अब एक ही बंदा बचा हुआ था जिसको मैंने बोला कि दिवांशु भाई मुझे कवर दे दे, इसको तो मैं नेट से ही फोड़ूंगा। लेकिन बंदे की किस्मत देखो यहाँ पर भाई, पूरा नेट अंदर गया था लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जिंदा खड़ा है। अब एक और नेट की पिन खींचे मैंने, लेकिन बंदे की किस्मत फिर से साथ दे जाती है। लेकिन अब ये बंदा नहीं बचने वाला। और अभी जो दो बंदे मैंने नदी के उस साइड नॉक किए थे ना, ये शायद उन्हीं के बंदे थे जो कि क्रॉस करके इस साइड आ चुके थे, क्योंकि वो भी दो थे और ये भी दो थे, तो टोटल चार बंदे हो गए। अलग ही सेंस लगाता हूँ मैं। अब देखो क्या सीन था कि हम गाड़ी लेकर घूम ही रहे थे और इधर से एक बंदा काफ़ी देर से बॉर्ड पर कर रहा था, जिसको सुन के हम तो आए ही थे, लेकिन साथ ही साथ एक और स्क्वाड आ चुकी थी। और अब देखो इस बंदे को तो मैं नॉक और फिनिश कर देता हूँ, लेकिन दूसरा जो बंदा था ना उसके पास MK14 थी, और उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं, मैंने बिल्कुल हल्के में ले लिया। अब कुछ अलग चीज़ ट्राई कर सकता था, या फिर अगर उसके पास एक या M4 कोई और दूसरी गन होती तो भाई मैं फाइट ले सकता था एक फेयर फाइट, लेकिन भाई MK थी बंदा, दो तीन बुलेट चिपकाता है और खत्म हो जाता है मैच। अब यही थी वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।